हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर से हम लोग क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है और इस चैप्टर के मतलब इस बुक के अंदर यूनिट्स आपको गिवन है। हर एक यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, ये आपको पूरा का पूरा जो एक इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, जब हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे 1990 के दशक में, एलपीजी रिफॉर्म्स का आना, उसके बाद 5 ईयर प्लान, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन और अलग अलग इकोनॉमी की फील्ड में हमने जो महारत हासिल करी और इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हमने जो ईंटें जो रखी थी ग्राउंड फ्लोर को बनाने के लिए 1950 या फिर 1947 के आसपास, अगर हम कहते हैं आज़ादी के बाद से, वहाँ से लेकर अभी तक हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, इसको जानने के लिए इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं या फिर ये जो पूरी की पूरी बुक है आपके लिए एक बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन का काम करेगी। नितिन सिंघानिया जो आप पढ़ते हो वो एक अलग पर्सपेक्टिव की बुक है, ये वाली जो बुक है ये इसका टोटल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन ये वाली एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया को अगर आप कंबाइन कर दो तो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस किसी भी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से 80% कंप्लीट हो जाता है, 80%। मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करो तो 30%, तो बाकी 70% कैसे कवर होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जर्नल स्टडीज पेपर 3 के अंदर जो भी मेंस ओरिएंटेड जो टॉपिक्स होते हैं जो कि किसी बुक में गिवन नहीं होते हैं, जिसके लिए मैं आपको वैल्यू एडिशन नोट्स जो है हैंडआउट्स वगैरह प्रेफर करवाता हूँ, लाइक विजन आईएएस वगैरह के या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट्स के ओनली आईएएस वगैरह के, वहाँ से वो आप टॉपिक्स कवर कर सकते हो वो। लेकिन कम्प्लीटली एक मेंस पर्सपेक्टिव होता है, उसको अभी छोड़ दो। लेकिन ये वाली एनसीईआरटी अगर आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो या फिर नितिन सिंघानिया को पढ़ने के बावजूद भी आपको इकोनॉमी के कंसेप्ट आते हैं लेकिन आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में रूबरू नहीं हो, ये वाली एनसीईआरटी आपको प्रिलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगी। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो आप इवन अपने एसे और एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, और इंटरव्यू के अंदर भी इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी एक लॉजिकल इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगी इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री को जानते हुए वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड वे में रहेंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। यूनिट 1 का नाम है डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस। 1947 से लेकर 1990 तक पहले हम एक ओवरव्यू जानेंगे, और उसमें भी अगर हम पहले चैप्टर पर अगर आएँ तो हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। सबसे पहले एक ओवरव्यू जानते हैं। यूनिट 1 में शुरू में 2 चैप्टर्स हैं, ये 2 चैप्टर्स आपको पूरी तरीके से फैमिलियर करवा देंगे कि इंडियन इकोनॉमी की स्टेट क्या है, क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, जब 25 दिसंबर का दिन होता है ना, जिस दिन क्रिसमस होता है, तो हम लोग कहते हैं, उससे पहले एक वर्ड सब लोग यूज़ करते हैं कि क्रिसमस ईव है आज। अब क्रिसमस ईव बेसिकली क्या होता है, 25 दिसंबर से पहले वाली रात होती है जब क्रिसमस जो है वो आया नहीं होता प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो डोर स्टेप पर होता है। तो ईव का मतलब होता है हमारा देश जब आज़ादी के रास्ते पर जब था, आप 15 अगस्त 1947 उसको मान लो, उससे पहले वाला दिन कौन सा हुआ, 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था उस दिन, हमसे एक दिन पहले, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये तो मैंने एक आपकी बस एक जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बोला। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी की परिस्थिति 15 अगस्त 1947 तक क्या थी। अब आप कहोगे हमें सर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में क्यों जानना है, वो इसलिए जानना है दोस्तों, ये पहला चैप्टर जो है ये आपको रूबरू करवाएगा जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और जब अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मोड़ा, किस तरीके से उन्होंने यहाँ से फ़ायदा उठाया। इस चैप्टर का थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव कुछ एक डायरेक्शन में और भी जाता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले की परिस्थिति क्या थी इंडियन इकोनॉमी की। तो यानी कि आप डीप रूटेड एंशियंट हिस्टोरिकल टाइम्स की इंडियन इकोनॉमी
जब वो अंग्रेजों के टाइम पर टकराती है उस टाइम की इंडियन इकोनॉमी और आजादी के बाद से लेकर अभी तक की कंटेम्प्ररी इंडियन इकोनॉमी, इसका ओवरव्यू आप इस पूरी बुक में जान जाओगे। लेकिन चैप्टर वन आपको प्रायर टू ब्रिटिशर्स एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, ये वाला चैप्टर आपको फैमिलियर करवाएगा कि इंडियन इकोनॉमी की परिस्थिति क्या थी। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, क्योंकि 4 डिकेड्स तक जो हम प्लान डेवलपमेंट करते रहे, 4 डिकेड्स तक प्लान डेवलपमेंट करते रहे, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको देखो लगभग 1950 से लेकर 1990 तक, और ये 4 डिकेड्स हम लोग 1990 को ही लक्ष्मण रेखा लेकर क्यों चलते हैं। देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी ट्रैक पर आ रही थी, लेकिन लेट 1980s में, और स्पेसिफिकली बात करें तो 1990 के दशक में, आप सब लोग जानते हो कि हमारी इकोनॉमी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लगते लगते बच गया, कौन सा आर्टिकल, जिसकी वजह से कौन सी प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, आर्टिकल 360 लगते लगते बच गया, जिसकी वजह से कौन सी इमरजेंसी लग सकती थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। थैंक्स टू द हेल्प, नॉट प्रॉपर हेल्प लेकिन ठीक है, हम बोल सकते हैं उसको हेल्प, थैंक्स टू द हेल्प प्रोवाइडेड बाय टू इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ $7 बिलियन का लोन, जिसकी वजह से हम मौत को छूके टक करके वापस आ गए, बच गए हम लोग उस फाइनेंशियल इमरजेंसी से। तो कौन से थे वो दो इंस्टीट्यूशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक। कितने बिलियन डॉलर का लोन दिया उन्होंने हमें, $7 बिलियन का लोन दिया, ठीक है। हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी इससे पहले या इसके बाद कभी लगी है क्या, नहीं लगी है, ठीक है। तो फाइका वेरी गुड, आप धीरे धीरे करके आप देखो सारे पर्सपेक्टिव को रिकॉल करने लगे हो, जाने लगे हो, यही अप्रोच काम आती है, ठीक है। और जिस तरीके से आप कैरी आउट कर रहे हो या निर्वैर चल रहा है, निर्वैर की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है, बहुत जल्दी उसने पिकअप करा है जिस लेवल पर वो था जब वो मुझसे गालियाँ खाता था, और जहाँ से वो बढ़कर अभी जो रिसेंट टेस्ट हुआ रैंक 1 वो ले आया, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। लेकिन निर्वैर हर एक पॉइंट के ऊपर स्कोप है, आप हर बार इंप्रूव करते जाना, किसी भी तारीफ को या किसी भी टेस्ट की सक्सेस को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है। हमेशा अपने आपको ऐसे ट्रीट करना कि आपको कुछ नहीं आता, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग। तो टिल आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट विच वॉज द पाथ दैट इंडिया चूज, दिस मेंट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार को बड़े सारे स्टेप्स लेने पड़े आजादी के बाद। हमारे देश के सामने आर्थिक तंगी कुछ इस प्रकार से थी, जब हमारा देश आजाद होता है, आजादी की खुशी के साथ एक मातम की बर्बादी कौन सी छाई हुई थी, 15 अगस्त 1947 वाले दिन, पार्टीशन, गुड पार्टीशन, ठीक है। उस पार्टीशन के चलते एक इकोनॉमी के लेवल पर जो विनाशकारी परिणाम था वो क्या निकल कर आया, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं वैसे, लेकिन रिकॉल करने की कोशिश करो। दिक्कत क्या थी, सारे जो खेत थे वो कहां चले गए थे, पाकिस्तान, और जो भी इंडस्ट्रीज खेतों से यानी कि क्रॉप्स के रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करती थी फिनिश गुड्स के अंदर, वो कहां रह गई थी, इंडिया। तो हमें पहले दिन से ही किसके ऊपर फोकस करने की, इंटेंस लेवल पर फोकस करने की आवश्यकता थी, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ठीक है। और वो क्यों, वो क्यों, हमारे देश की जो आबादी थी वो कैसी थी, किस किन प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी, गुजर रही थी, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, है ना, इल हेल्थ, डिसीज, हंगर, राइट। और ये चारों पांचों बातें कौन से लीडर ने अपनी आजाद भारत की पहली स्पीच के अंदर कही थी, क्या हमें इन सबको खत्म करना है, पॉवर्टी, हंगर, इग्नोरेंस, डिसीज, पंडित नेहरू ने, और वो आजाद भारत की पहली स्पीच का नाम क्या था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच, ठीक है। तो दिस मेंट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू टेक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुई, साल साल 1950 से प्लान आते हैं, ठीक है, 1951 से, इनफैक्ट प्लान आते हैं 52 से, क्या 51 से 56 तक पहला प्लान चलता है। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमेशा कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर।
इस प्लानिंग कमीशन ने जब तक ये बॉडी चली, कब तक चली वैसे ये बॉडी बता दो, 52 55 तक प्लानिंग कमीशन थी निर्वैर, 2017 वहां से हाँ प्लान चला था लेकिन वो बॉडी ठीक है डोरमेंट स्टेज पर थी, खत्म होने की स्टेज को अगर हम माने तो चलो ठीक है 15 मान लेते हैं। 15 के बाद इस बॉडी का नाम क्या हो जाता है? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और गौरव आप सही बोल रहे हैं, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं गलती से स्लिप करके माइंड से, प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो चुका था 2015 में, जो उस टाइम का प्लान था वो कंटिन्यू था 2017 तक, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मुझे ये बता दो प्लानिंग कमीशन कितने 5 ईयर प्लान लेकर आ पाया टोटल अपने पूरे इतिहास में? 12। 12वां 5 ईयर प्लान कब से लेकर कब तक चला? 2017 में खत्म हो गया तो 5 साल कब हुए? 2012 से 17। अच्छा, जब ये खत्म हो गया है, 5 ईयर प्लान अब नहीं आते हैं, तो क्या हम प्लानिंग को अब तक जब ये क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस नहीं देते क्या? प्लानिंग खत्म हो गया हमारे देश से, मतलब हम इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करते, हम फोकस नहीं करते हैं, छोड़ दिया हमने इस गोल को, अब हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग के ऊपर फोकस करते हैं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान? लॉन्ग टर्म प्लान। और उस लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान एज वेल एज छोटे लेवल के प्लान को कैरी करते हैं। तो मुझे बताओ कितने सालों के प्लान हमारे पास होते हैं श्रेया? जरा सालों की गिनती दो मुझे। प्राची कितने सालों के प्लान होते हैं हमारे पास? मतलब अलग अलग साल मुझे बताओ ना, किस किस साल के अब हम प्लान लेकर चलते हैं 2017 के बाद? अरे नंबर दे दो भाई साहब, नंबर बताओ। 3 साल के होते हैं, 3 साल के छोटे थे चलो, 3 साल के होते हैं, 7 साल के होते हैं और 15 साल के होते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोटी सी एक बात, जब डिस्कशन यहां पर हो रही है तो रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस, एक ही बात बोलना जो मुझे पसंद है, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं। एक पॉइंट मान लो कि आप अभी इंटरव्यू में बैठे हुए हो, एक डिफरेंस मेजर आपको जानना है, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड का समय है, एक डिफरेंस बताओ जो नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन से अलग बनाता है। नेम निर्भर, थप्पड़ मारना जरा अपने खींच के, इसके ऊपर टेस्ट की सक्सेस चढ़ गई है सर के ऊपर। कह रहा नेम, गुड गुड गुड। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, जब भी वो प्लान बनाता था तो क्या करता था? राज्य के ऊपर थोप देता था। एंड इट वॉज अगेंस्ट विच प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म? फिस्कल एज वेल एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसके अगेंस्ट था। साथ लेकर चलना होता ना मयूर हमें राज्यों को, है ना? लेकिन नीति आयोग की अप्रोच कैसे अलग है निर्भर, आप बताओ आंसर इसका। नीति आयोग की अप्रोच कैसे अलग है? प्लानिंग कमीशन तो थोप देता था राज्य के ऊपर प्लान, चाहे उनको पसंद आए चाहे ना आए, चाहे उनके पास रिसोर्सेज हो, चाहे परिस्थितियां अलाउ कर रही हो चाहे ना कर रही हो, लेकिन नीति आयोग की अप्रोच कैसे डिफरेंट है? यस, नीति आयोग चलता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ, और नीति आयोग के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसके अंदर सभी राज्य आपसी सहमति से प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं, राइट? अब वो प्लान मुझे आप एक बार बताओ, दो वर्ड्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक मुझे बताना क्या वो प्लान मेजॉरिटी के बेसिस पर आते हैं या फिर कंसेंसस के बेसिस पर आते हैं, और दोनों दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या होता है? नीति आयोग जब भी कोई प्लान फॉर्मुलेट करता है वो मेजॉरिटी बेसिस पर होता है, कंसेंसस बेसिस पर होता है? नहीं, कंसेंसस बेसिस पर होता है। और निर्वैर जरा डिफरेंस समझाओ इन सबको दो शब्दों में, कंसेंसस और मेजॉरिटी में फर्क क्या होता है?
सभी की सहमति, वहां पर कोई भी किंतु परंतु करने वाला नहीं होगा। अगर एक भी कोई किंतु परंतु करने वाला राज्य या कोई बॉडी है, क्या उसको इग्नोर कर दिया जाएगा क्या? कि 99 लोग हाँ कर रहे हैं, तू ना कर रहा है, तो तेरी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि 99 उस चीज के फेवर में। क्या ये कंसेंसस होता है क्या? नहीं। ये क्या होता है अगर हम 99 की बात सुने और एक को इग्नोर कर दे तो? मेजॉरिटी। 51 की बात सुने और 49 को इग्नोर कर दे तो? मेजॉरिटी। ठीक है, एक तो आपने नीति आयोग का मुझे स्ट्रक्चर बता दिया कि वहां पर कंसेंसस के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं और वो एक चीज को हवाला देता है जिसको हम कहते हैं कॉपरेटिव फेडरलिज्म। इसके अलावा एक बॉडी और है जहां पर कंसेंसस के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं और अगेन जिसका गठन 2016 में हुआ। जल्दी बताओ, फाइनेंस कमीशन 2016 में बना यार, 2016 में पहली बार देखा आपने फाइनेंस कमीशन को? जीएसटी काउंसिल का नाम सुना है ना? सभी राज्य जो होते हैं उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं क्या उसके वो मेंबर होते हैं? डिसीजन लिया जाता है टैक्स रेट अगर ऊपर नीचे करना है, टैक्स रेट नहीं वो टैक्स स्लैब्स अगर बनानी है तो राज्यों के साथ सहमति करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? ठीक है, बिल्कुल, इतनी बात क्लियर हो गई। इसलिए मैं एनसीईआरटी में से कोई भी चीज़ें छुड़वाता नहीं हूँ। ये सब चीज़ें आप भी ऐसे लाइन बाय लाइन, जैसे आप सोचोगे फालतू का इंट्रोडक्शन ही तो है भाई, अगर आप आंसर इसका नहीं कर पा रहे तो यानी कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ के ऊपर खोद खोद कर उसको पढ़ना सीखो, लेकिन सिर्फ उतना जितना मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि प्लानिंग कमीशन आपने ये करा और आप अपना एक सेपरेट चैप्टर निकाल कर बैठ गए नितिन सिंघानिया से। उतना जितना कितनी गहराई में कूदना है जितना मैं बताऊँ सिर्फ उतना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू टेक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ 5-year प्लान्स। ठीक है, मुझे आप लोग एक बात बताओ, 5-year प्लान्स जिसको हम लोग कुछ ऐसे करके लिखते हैं, 5-year प्लान्स, FYPs, ये लेगेसी जो है 5-year प्लान जैसी कोई चीज होनी चाहिए श्रेया, ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो करी थी? मुझे प्रेसाइज नाम दो। रशिया नहीं, नहीं नहीं श्रेया, हाँ यस यस, USSR। अब क्योंकि USSR तो है नहीं, तो श्रेया गौरव मैंने आपको USSR को डिनोट करने का, बोलने का एक तरीका बताया था। क्या कहते हैं हम USSR को, जैसे हम लिखते हैं पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी लिखते हैं, क्या कहते हैं? Erstwhile USSR। ठीक है, गुड। तो हमने ये चीज कहां से बोरो करी थी, कौन सी कंट्री से? Erstwhile का मतलब होता है, इस शब्द में कंफ्यूज मत होना, पुराना USSR, जो कि आज के समय में जिसकी लेगेसी किसने बोरो करी है? रशिया ने। USSR की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? नहीं, ऑर्डर 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 में बोलो। गुड, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जब हम इसको यूनियन कहते हैं तो ये कितनी कंट्रीज का यूनियन था? 15। और जिनका हेड कौन था? रशिया। और आज बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो क्या अलग हो गई हैं? क्या इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं सारी? इनके अंदर से एक ग्रुप अलग हुआ था USSR के अंदर से, जिसको हम लोग कहते हैं बेल्टिक रिपब्लिक्स। बेल्टिक रिपब्लिक्स में कितने देश आते हैं? नहीं, 5 नहीं है। बेल्टिक रिपब्लिक्स में कितने देश आते हैं? ईशा, आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की मेरी प्लेलिस्ट कर रहे हो, कहां तक, कौन से चैप्टर तक पहुंचे हो? सेकंड तक पहुंच गए क्या? अच्छा, मयूर जिसका आंसर नहीं आता वो वहां तक नहीं पहुंची। मजाक कर रहा हूं ईशा, ठीक है। तो बहन हाँ हाँ, सारे नंबर बोल लो, 1, 2, 3, 4 करके कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा। 3 थे। इन तीनों की कोई नाम बता सकता है?
एस्टोनिया, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया। क्लियर है? ये वाली बात भूलना मत कि जब यूएसएसआर थे, ये बाल्टिक रिपब्लिक नाम का एक कैटेगरी जब अलग हुई थी, उसके अंदर तीन देश आते थे, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया। नहीं, वो बाल्कन रिपब्लिक्स, तो देखो बाल्कान रिपब्लिक्स जो है ना, या बाल्कन रिपब्लिक्स कोई भी प्रोनाउंसिएशन उसकी करके कह लो, वो तो डेजिग्नेटेड एरिया था जिसमें सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो, हर्जिगोविना, ये सारे देश अलग अलग हुए थे। लेकिन बाल्टिक ग्रुप एक स्पेसिफिक ग्रुप था, इन तीनों कंट्रीज ने डिसाइड करा था कि हम भले यूएसएसआर से अलग हो गए हैं, रशिया अपने कोल्ड वॉर की दिक्कतों में उलझा हुआ है ना, या डिसइंटीग्रेशन के बाद ये उलझा हुआ है, हम लेकिन आपस में एक दूसरे का सपोर्ट एक दूसरे को करके एक दूसरे की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिटी, इन सबको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये इनका मकसद था। वो देखो कॉमनवेल्थ तो सोवियत यूनियन नहीं कहते हैं उसे, वो हम उसको कहते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो CIS कहते हैं उसे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये ऐसा था, देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डिस्कशन का इसका कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपने पूछा मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बेसिकली ये था, सारे यूएसएसआर के नए नए देशों को ना डर लगता था कि अभी तक तो हम लोग रशिया की छत्रछाया में रह लेते थे, तो यूएसएसआर का जो ग्रुप था अंदर से, तो रशिया उसको क्या कहते मजबूत करके रखा हुआ था। लेकिन रशिया जब, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट होकर रशिया जब अलग हो गया, तो रशिया कल को हमारा साथ ना छोड़ दे, तो हम बाकी सारी जो कंट्रीज हैं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, चाहे कल को रशिया हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी, हमारी अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करे या हमें सपोर्ट करे चाहे ना करे, हम एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। और होता क्या है, इन देशों को यूएसएसआर से अलग होने के बाद ना रशिया पे भरोसा कम रह जाता है, तो इन्होंने अपने अलायंसेस बनाना शुरू कर दिए थे, किसके साथ, यूएसए के साथ। और यूएसए के तीन अलायंसेस कौन से, क्या नाम था उनके ग्रुप का, नेटो, सीएटो एंड सेंटो। नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था, 1949। सीएटो की फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंटो की फुल फॉर्म सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और बिल्कुल इसके विरुद्ध में यूएसएसआर का कौन सा पैक्ट था, वॉर्सो पैक्ट, कौन से साल आया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एन ओवरव्यू ऑफ द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द प्लान डेवलपमेंट, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि 5 ईयर प्लान्स कैसे आए, उनका गोल क्या था और उनके मेरिट्स या लिमिटेशंस क्या रहे हैं प्लान डेवलपमेंट के, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी ना इकोनॉमी के अंदर, कभी भी आप इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में प्लान डेवलपमेंट जब ये शब्द सुनते हो, ठीक है, कभी मैंने इसके ऊपर आपको फोकस करके बताया नहीं, लेकिन आप में से कई लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके कई बार पूछते हैं कि सर इसका मतलब होता क्या है प्लान डेवलपमेंट करने का। देखो भाई, प्लान डेवलपमेंट करने का मतलब ये होता है, आप एक बार के लिए इकोनॉमी को भूल जाओ। मैं इस चीज़ में 2 मिनट लूंगा, जरा आपके 2 से 3 मिनट आपको समझाने के लिए। प्लान डेवलपमेंट शब्द की सिग्निफिकेंस आप एक बार के लिए इकोनॉमी के कंटेक्स को भूल कर आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर उतारो। देखो अगर आप किसी भी चीज़ की, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपका डेली का रूटीन है उठने का, एक्सरसाइज करने का, आपको पतले होना है, आपको एब्स बनाना है, कुछ भी करना है, आपको बंदी पटानी है, अगर आप कभी भी प्लानिंग से ना चलो तो बिना प्लानिंग के कोई भी काम हो सकता है क्या? टाइमिंग, गोल ओरिएंटेड अप्रोच और डेडलाइन, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए। बताओ निर्भय, अगर कोई बंदी पटानी है तुम्हें, सबसे पहले नोट करोगे ना उसकी टाइमिंग, ट्यूशन से कितने बजे निकलती है, कॉलेज से कितने बजे निकलती है, ऑफिस से कितने बजे निकलती है ना, फिर उसके सामने गाड़ी लेकर जानी है या बाइक लेकर जानी है, क्या पहन कर जाना है, कैसे उससे बात करनी है, हर चीज़ की सिस्टमेटिक वे की अप्रोच रहेगी तुम्हारी कि नहीं रहेगी, कि वो ऑफिस किसी और टाइम पर जा रही है, तुम पहुँच किसी और टाइम पर रहे हो, पट जाएगी तुमसे या मिल जाएगी तुम्हें कभी, नहीं ना। हर चीज़ की एक सिस्टमेटिक वे की एक प्लानिंग रहती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की। अब ये प्लान डेवलपमेंट अगर आप इकोनॉमी के कंटेक्स में बात करो या पर्सनल लाइफ के कंटेक्स में बात करो, ये क्यों जरूरी होता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए
और वो भी एक डेडिकेटेड डेडलाइन और टारगेट के साथ, एक स्टिपुलेटेड टाइम में। तो अगर इकोनॉमी को प्लान डेवलपमेंट करनी है तो इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी अलग अलग अपने औकात के बेसिस पर लॉन्च करती है प्लान्स। हम जैसे हम इंडिया की बात करें अगर, या इंडिया ने जिससे ये लेगेसी बोरो करी, हम अगर यूएसएसआर की बात करें और भी देशों की बात करें, तो हम लोग अपनी प्लानिंग के स्टेप्स, जैसे कि मान लो कि मैंने किसी के साथ स्केड्यूल बनाया कि ये वाली एनसीईआरटी हम इतने इतने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, इस महीने के अंदर हमारा कोर्स इतना पहुंचेगा, वो पहुंचेगा, तो हम एक पूरी जर्नी को लेकर नहीं चल रहे हैं। अगर मेरे को एक जर्नी के कंटेक्स्ट में एक बात कहनी, तो मैं तो क्या दूंगा, एक साल के अंदर पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये तो एक बहुत ही ज्यादा दूर का दृश्य हो गया ना देखने वाला। हमें छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स भी तो चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी, या रशिया की इकोनॉमी, या और यूएसएसआर की इकोनॉमी, या बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी, ज्यादातर कंट्रीज क्या करती हैं, जो अपने स्टेपिंग स्टोन्स रखती हैं, वो रखती है 5 साल के। इसलिए ये जो प्लान डेवलपमेंट है हम जो 5 साल की जो करते हैं, इसलिए हमारे देश में इसको बोला जाता था 5 ईयर प्लान। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, आपने जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला चैप्टर, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है वो श्रेया, है ना, जो नितिन सिंघानी में गिवन है, जिसमें 5 ईयर प्लान 1 2 3 4 ऐसे करके हमने जो प्लानिंग पढ़े थे, पूरे के पूरे सारे प्लान्स पढ़े थे, तो उसके कंटेक्स्ट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। आप लोग मुझे बताना, हाँ या ना, जब 5 ईयर प्लान चलते थे तो क्या हमारा पर्सपेक्टिव प्लानिंग का कोई विजन नहीं रहता था क्या, भारत की सरकार का, ये इकोनॉमिक्स का? हम लोग लॉन्ग टर्म के प्लान के बारे में नहीं सोचते थे क्या? पर्सपेक्टिव प्लानिंग जैसी कोई चीज़ यूज नहीं होती थी क्या? होती थी। 5 ईयर प्लान बस एक्चुअली क्या होता है ना मयूर गौरव, ज्यादातर बच्चों को वो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी उसी के बारे में चूचपड़ करती रहती है, तो हमारे दिमाग में वही बसा होता है कि प्लान, हमारे देश में जो प्लान डेवलपमेंट है दैट इज इक्वल टू 5 ईयर प्लान, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। 5 ईयर प्लान तो हमारा एक मेन एजेंडा था कि 5 साल के अंदर हम कुछ टारगेट जो है वो चुनेंगे और उसको हमें अचीव करना है, राइट। लेकिन एक लंबे समय का दृश्य भी हम लोग देखते हुए चलते थे। क्लियर है वाली बात आप लोगों को? इंट्रोडक्शन समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें यह देखना है, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, या हमारा भारत उसकी अर्थव्यवस्था की चाबी जब उन्होंने हमारे हाथ में थमाई, तो 15 अगस्त 1947 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, हमें उसको देखना है। लेकिन इस चीज को देखने के लिए हम इस चैप्टर को 2 फेजेस के अंदर पढ़ेंगे, या फिर हर एक टॉपिक को 2 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। एक इकोनॉमी की हालत अंग्रेजों के टाइम पर, और एक वो इकोनॉमी हमारी जिस भारत को अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में सोने की चिड़िया कहा जाता था जब अंग्रेज यहां पर नहीं आए थे। आपको यह चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है ना कि हम लोगों की बहुत ज्यादा गुड्स में, क्राफ्ट्समैनशिप में, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में महारत हासिल थी। इंडिया पास्ट में अंग्रेजों के आने से पहले जो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो इनिशिएट करता था वो हमेशा इंडिया की साइड क्रेडिट साइड में होता था, मतलब हम फेवरेबल पोजीशन में थे हमेशा, क्रेडिट साइड की पोजीशन पर थे, हमें ही ज्यादा फायदा मिलता था किसी से भी व्यापार करने पर। और इसी व्यापार के एजेंडा से अट्रैक्ट होकर तभी तो ये कंपनीज आना शुरू हुई थी, है ना। एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे इंटरव्यू रूम में पूछ लिया जाए अंग्रेजों को पता कैसे लगा कि भारत नाम का कोई देश है, क्या आंसर होगा आपका, बताओ, सोच के देखो। मैंने अब बताया ना आपको, ये वाली बुक प्रिम्स और मीन्स ओरिएंटेड के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी है। जो चीजें आप नितिन सिंघानी में पढ़ चुके हो ना, बिल्कुल टोटल आपको नई अप्रोच देगी वाली बुक। अगर आपकी क्यूरियोसिटी है ना, इकोनॉमी के आंसर सबके एनरिच हो जाएंगे पक्का, मीन्स ओरिएंटेड। देखो मनी एंड बैंकिंग, 5 ईयर प्लान, और ये फाइनेंशियल मार्केट या नेशनल इनकम, इसका हर कोई रट्टा मार लेता है 3 से 4 अटेम्प्ट में, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चंस आ गए ना जिसके अंदर एनालिसिस है, ठीक है, तो हर कोई वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी की एनसीईआरटीज बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, और इसकी नॉलेज किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं होती है, ना मेंस के मटेरियल्स में होती है, क्योंकि मेंस के मटेरियल तो अलग ही टॉपिक वाले होते हैं, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, ठीक है,
ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें, तो आपको इस एनसीईआरटी को तो पढ़ना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी के परस्पेक्टिव को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए और 360 डिग्री बनाने के लिए। तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अंग्रेज़ों को या अंग्रेज इन द सेंस कि यूरोपियंस को पता कैसे लगा भारत नाम का कोई देश है, क्या आंसर होगा आपका इसका? ट्रैवलर्स के थ्रू, ठीक है, एक चीज एक्सेप्टेबल है। नहीं, ये चीजें ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अट्रैक्टिव आंसर नहीं है ये। तो अगर उनको पता लग गया भारत के बारे में तो फिर वो भारत क्यों आए? माइग्रेटरी बर्ड्स, अच्छा माइग्रेटरी बर्ड्स बोलती हैं, हाँ आंसर क्लोज है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और बताओ। काली मिर्च पर मत जाओ, कुछ और गुड को चेंज करो। हाँ काली मिर्च तो खाई नहीं कभी भागी रानी राजा ने। नहीं, ब्लैक पेपर वो एक अलग चीज़ है, वो कंटेक्स्ट अलग है, मैं पहले पता लगने की बात बता रहा हूँ। काली मिर्च तक जवान तक पहुंची तब थोड़ी ना पता लगाया उन्होंने कि इंडिया कहाँ पर है। हाँ नहीं यार ये नहीं, लंबे चौड़े आंसर मत दो, शॉर्ट में बताओ यार, दिमाग खराब करने वाली बात है नहीं। हाँ बताओ। टसल रहता था, ठीक है, देखो, सही बोल रहे हो, सब लोग सही बोल रहे हो अपनी अपनी जगह पर, लेकिन देखो इंटरव्यू में आपके पास ना इतना चूचोपड़ करने का स्कोप होता नहीं है, ठीक है, इसका शॉर्ट आंसर ही होता है। जब मैं पूछा करूँ ना कि आप मान लो कि इंटरव्यू आपसे पूछ रहे थे, तो सिर्फ वैसे ही आंसर दिया करो कि आपकी औकात इंटरव्यू वाले टाइम की ही है बस आंसर देने की, फालतू की लंबी चौड़ियाँ कहानियाँ मत पेला करो मुझसे, ठीक है। इसका आंसर देखो ये होता है कि जो ये सिल्क रूट था ना, सिल्क रूट के रास्ते जो सिल्क और कॉटन के जो कपड़े थे, ये इस कदर पहुंचे यूरोपियन देशों में कि एक बार की बात है, ये इंग्लैंड के राजा और क्वीन एलिजाबेथ के हाथों में लग जाते हैं, है ना। और याद करो लक्ष्मीकांत की पहली लाइन, वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर पहली बार कौन ग्रांट करता है? क्वीन एलिजाबेथ कौन सी? वन, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया सिर्फ ब्रिटेन का पर्सपेक्टिव, ब्रिटेन से पहले तो और ज्यादा कंपनीज थी यूरोपियन कंपनीज। फिर आता है यहां पर फाइका का आंसर जो कि एक्सटेंशन में, अब फाइका बोलो अब आपका आंसर, अब वहां पर वो ठीक बैठेगा जो आप बता रहे थे कि टसल होता था यूरोपियन पावर्स के अंदर। अब बताओ अपनी एक्सप्रेशन। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको इम्प्रोवाइज करता हूँ इसके आंसर को, बोल सही रहे हो आप तो वो करके। मैंने आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ाई थी श्रेया, याद है चीज़ के जो यूरोपियन पावर्स थे उनके बीच में जैसे फाइके ने बोला टसल होता था, ठीक है, तो अंग्रेज जो थे उन्होंने ना इंडिया जाने के बारे में फाइका बाद में सोचा, उनको ये लगा यार ये यूरोपियन देश अगल बगल के तो बहुत प्रॉस्परस बनते जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं इनके पास पैसा, कहाँ से कर रहे हैं व्यापार, तब इनको पता लगा कि इंडिया जैसे नाम का एक देश, और सिर्फ अंग्रेजों मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स को नहीं और भी अंग्रेजों को और भी पावर्स थी जिन्होंने ये सोचा कि हम ना प्राइवेट व्यापारी बनकर वहां पर जाएंगे और वहां से ना मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आएंगे और उसका फायदा अपनी होम कंट्रीज में पहुंचाएंगे। तब जाकर इनको ये लगता है कि हम एकदम से वहां पर पॉलिटिकल व्यवस्था को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ा खतरा जो अरब सागर पर जो मंडरा रहा था या भारत के अंदर एंट्री लेने के लिए जो रोक सकता था वो किसका था? किसी भी यूरोपियन पावर को? नहीं, मैं कह रहा हूं अभी आई नहीं है वो, पोर्चुगीज वगैरह छोड़ दो, यूरोपियन पावर आई नहीं, उससे पहले कौन किसका दबदबा है? अरब मर्चेंट्स, व्यापारियों के टर्म्स में अरब मर्चेंट। इवन मुगल्स के पास इतना टाइम नहीं था कि समुद्र के व्यापार को वो संभाले। आपको पता है ना मुगल एम्पायर की जैद एक बहुत बड़ी बुराई चलती है कि उनके पास वेल डेवलप्ड नेवल सिस्टम कभी भी नहीं रहा, इस वजह से यूरोपियन पावर्स ने हमेशा उनको हराया, राइट? हर किसी ने, मतलब कभी नेवल पावर के ऊपर उन्होंने फोकस ही नहीं करा। और जहां पर वेपन्स या फिर मॉडर्न आर्टिलरी इन्फेंट्री की बात आती है,
कभी भी मॉडर्निटी या टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी कभी फोकस ही नहीं करा। आप वर्चस्वधारी हो, आपके खानदान के बड़े सारे पूर्वज सालों तक, दशकों तक यहाँ पर अड्डा डेरा बनाकर रह चुके हैं, लेकिन वक्त और जमाने के अनुसार मुगल एम्परर्स कभी अपने आप को बदल नहीं पाए, ढाल नहीं पाए। लेकिन ये होमवर्क यूरोपियन पावर्स पहले से ही कर कर आए थे। यूरोपियन पावर्स के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्वक समय कौन सा था श्रेया? मुगल एम्परर्स को शांत करना या फिर आपस में एक दूसरे को शांत करना? यूरोपियन यूरोपियन पावर को शांत करें, यह ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी, या फिर किसी भी यूरोपियन पावर का मुगल एम्पायर को, मुगल साम्राज्य के रूलर्स को, या फिर नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल, इनको शांत करना? बताओ, आपस में वो करना। जैसे ब्रिटिशर्स को सबसे कड़ी टक्कर कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी? फ्रेंच ने। शाबाश, ठीक है। और जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात आती है, वहां पर अंग्रेजों को भी एक चैलेंज जैसे सहना पड़ता था, बिकॉज उस टाइम का जो भारत था, अगर उसके ऊपर पकड़ बनाई जानी थी, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता था सिर्फ। तो इसलिए अंग्रेजों की सिट्टी बिट्टी कुल किसने कर दी थी? मैसूर के कौन से खानदान ने? हैदर अली और टीपू सुल्तान, बाप बेटे थे ना दोनों। और हैदर अली टीपू सुल्तान की दोस्ती कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और ये नफरत इससे करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है। अब हम एक बार के लिए अगर इस कोटेशन से अंग्रेजों के मकसद को अगर पहचाने, तो हमें क्या नजर आएगा? इंडिया इज द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर। भारत जो है वो एक तरीके से हमारे पूरे के पूरे एम्पायर को चलाने के लिए एक व्हील है, जो कि शिप में लगा हुआ है, स्टीयरिंग व्हील है। अगर एम्पायर अपना कोई भी पार्ट, कोई भी अंग लूज कर दे, कोई भी डोमिनियन, हम सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर भारत लूज कर दे, तो जो उगता हुआ सूरज है हमारे एम्पायर का, जो चार चांद लगे हुए हैं हमारे एम्पायर में, वो ध्वस्त हो जाएगा। ये कहा विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस ने, जो कि वायसराय था ब्रिटिश इंडिया का 1894 में। इस लाइन से आपको क्या पता लग रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर ब्रिटिशर्स एज अ डोमिनियन और कॉलोनी, राइट? भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनियन कॉलोनी है इनकी इनकी नजरों में, जिसको एक कैसे भी करके छोड़ना नहीं चाहते। अगर इसने ये वाली बात कही है, तो उसकी बात को कोई सेंस तो होगा। उस सेंस को पहचानने के लिए, एक बार के लिए हम ये बनाते हैं भारत का नक्शा, पेंसुलर इंडिया वाला। तो पेंसुलर इंडिया का भारत का ही नक्शा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इनके तो पूरे के पूरे अंग्रेजों के, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इनके तो, ब्रिटिशर्स के तो बहुत सारी कॉलोनीज थी इनके पास, इनके तो बड़े सारे डोमिनियंस थे। इंडिया के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने का मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया एज अ डोमिनियन को खो दें, तो हमारा एम्पायर, उगता हुआ सूरज का ध्वस्त हो जाएगा? तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इनकी नजरों में है क्या? आप उसके कुछ कुछ मुझे पॉइंट्स बताओ जरा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर आपको एक हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देगा इंडियन इकोनॉमी का। तो देखो दोस्तों, मैं ये सारी बातें आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ, हम चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते इसके अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एस्पेक्ट को। अभी आप और आगे बढ़ोगे तो आप जैसे इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ कुछ यहाँ पर बातें आएंगी, ठीक है। अब ये कुछ कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे ये देखो फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर वगैरह, इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो 2018 में आया था, और लोगों का ये कहना था कि हमने तो उसका नाम ही नहीं सुना है,
ठीक है। और ये वाली नॉलेज आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी, तमिलनाडु में भी और इकोनॉमिक्स में भी दे रखी है। तो वही है कि आपको अपने दिमाग को, अपने दिमाग से ये जो दीवारें हैं तोड़नी पड़ेंगी कि इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में सिर्फ मैं इकोनॉमी ही पढ़ूंगा या इकोनॉमी ही पढ़ूंगी। अगर आप इस रश में हो तो फिर आप गलत एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप चपरासी की तैयारी करो, वो जल्दी निकल जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो मुझे बताओ, इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या थी अंग्रेज़ों के लिए? इंडिया से, ठीक है, इंडिया से फाइका ने बोला, बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेबल पॉइंट है कि वो रॉ मटेरियल लेते थे, ठीक है, ये काफ़ी एक होलिस्टिक पॉइंट है, रॉ मटेरियल्स वो लेते थे और इंडिया को उन्होंने कन्वर्ट भी कर दिया था। मैंने एक पॉलिसी का जिक्र करा हुआ है आप लोगों से, इसी पॉइंट को मैं फाइका के पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, जो कि चैप्टर में आगे जाकर भी डिस्कस होगा, जब बात चली रही है तो बता देता हूँ। श्रेया, एक वो वर्ड याद है, वो लाइन याद है? यस, गुड श्रेया। श्रेया जबान की बात छीनना जानती है। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्राइजेशन, शाबाश, ठीक है। इन्होंने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो इसके लिए एक लाइन है यहाँ पर, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्राइजेशन कहाँ दे रखा होता है, एक मिनट रुकना, यहीं का एक लाइन है, वर्ड है ये। इन्होंने यहाँ पर हमारी पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया था, ख़त्म कर दिया था और इंडिया को कन्वर्ट कर दिया था इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। ये रहा सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बींग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, यानी कि उनका इंडस्ट्रियल बेस ज़्यादा बढ़े और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की पॉलिसीज़ वो लोग इंडिया में अपनाते थे ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो पूरे का पूरा जो है वो ध्वस्त हो जाए, वो ख़राब हो जाए, ठीक है। ये दोस्तों वो लाइन, वो वर्ड, मुझे लगा वो बोल्ड में दे रखा है, पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिक डी, मैं मार्क कर देता हूँ उसको, पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली या सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्राइजेशन, ठीक है। ये वो पॉलिसी थी, जो पॉलिसी थी जिसके बारे में अभी श्रेया बात कर रही थी, ठीक है। एक तो रॉ मटेरियल वाला पॉइंट, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि इनका एक पर्पस क्या था कि इंडिया को सप्लायर के अंदर इंडिया को कन्वर्ट करना, मतलब बेसिकली सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएंगे वो ब्रिटेन, और वहाँ से जो फिनिश गुड्स आएंगे वो कहाँ पर जाके डंप करे जाएंगे, इंडिया के अंदर, ठीक है। और बताओ और क्या मतलब, ये क्यों कह रहा है ऐसा, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डोमिनियन। क्या बायोडाइवर्सिटी, उससे क्या लेना देना बायोडाइवर्सिटी से, फ्लोरा फौना उस टाइम पर ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर इतना कोई इन्होंने खास फोकस नहीं करा। हाँ वो मतलब ठीक है, जो सिस्टमेटिक डी रिजर्वेशन की पॉलिसी वो उसी में आ जाएगा, वो डम तो कर ही रहे ना फिनिश गुड्स, मैंने बता दिया आपको। और हाँ तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। हमारे लोग पागल थे, इनकी मिलिट्री को सपोर्ट करते थे, ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट। हाँ चीप लेबर, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों बोल रहे हो आप सब लोग, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया।
अगर यहां पर यूरोपियन देश हैं, इंडिया एक ऐसा पॉइंट है वो यहां तक आए, अब वो किस किस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं? इंडियन ओशन इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन? चाइना एंड सिल्क रूट। साउथ ईस्ट में कौन? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और स्पेसिफिकली इनकी जो इनका मेन वो था, फोकस था, वो किस पे था? इंडोनेशिया पर। उसके एक स्पेसिफिक आइलैंड का नाम बताओ। स्पाइस आइलैंड्स, जहां से इनको क्या प्राप्त होता था? बहुत ज्यादा ब्लैक पेपर स्पेसिफिकली, ठीक है। और भारत के अंदर जो बहुत ज्यादा लैंड जो अवेलेबल था वो आइडियल था, बट इट वॉज ब्लेस्ड विथ फर्टिलिटी, बट इट वॉज ब्लेस्ड विथ फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर लैंड की मैं बात कर रहा हूं, खाली पड़ा होता इतना ज्यादा यूज था नहीं। तो इन्होंने करा क्या, इनिशियली तो इन्होंने जैसा रूटीन जो चलता आता है किसी भी फार्मिंग सिस्टम के अंदर वो चलने दिया, क्या? फूड क्रॉप्स का। लेकिन बाद में इनका फोकस किस पे शिफ्ट हो गया? कैश क्रॉप्स। और जब फायका हम लोग अपना फोकस फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें हम नया टर्म क्या यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए? शाबाश, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देख रहे हो फायका, तुम मेरे साथ रहते रहते कितनी ट्रेन हो गई हो। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसे ये कैश क्रॉप्स के जरा नाम बताओ जरा श्रेया, कि ऐसे कौन से कैश क्रॉप्स थे जो कि फोर्स करते थे हमें, मतलब उगवाने के लिए। सबसे खतरनाक कौन सा, जिसने उपजाऊ भूमि की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, सबसे सबसे ज्यादा खतरनाक तो कौन सा? इंडिगो। इंडिगो, गुड श्रेया। और बताओ श्रेया, थोड़ा कोशिश करो, प्राची वगैरह सब लोग बताओ, गुंजन बताओ। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ, ताकि आप सब भी नोट डाउन कर लो ये सारी चीज़ें। गुंजन, सारे लोग ही नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। बाद में लेक्चर दोबारा देखोगे फिर उतनी मेहनत करोगे, कॉपी साइड में रखा करो अपने, जो भी मैं बोलता चलूँ आपके पेन से आग निकलनी चाहिए, ठीक है। और मुझे कभी भी ये गुनाह मत कर देना कोई भी, कि सर ज़रा आराम आराम से बोल के रुक दो। कभी कभार वो चलेगा कि जब मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोल गया, कुछ एनालिसिस दोबारा आपको जाने, ठीक है सर ये लिखवा दो, ठीक है, मुझे मत रोकना, वो आप अपनी स्पीड पे जानो, ठीक है, मैं नहीं रुकने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिगो, कॉटन। कॉटन का भाई कौन? जूट, पता है, देखो जूट और शुगर केन और रबर, और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं टी एंड कॉफी बनाए थे ना उन्होंने, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन कहाँ पर बनाए थे उन्होंने टेरेस फार्मिंग करते हुए? असम में। और कॉफी प्लांटेशन साउथ इंडिया, ठीक है, कर्नाटका रीजन, गुड। तो आई थिंक आप लोग इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो, तो गुंजन धीरे धीरे करके आप भी फैमिलियर हो जाओगे इन सब चीज़ों से, ठीक है, ये लोग भी धीरे धीरे करके ही सीखें,
आप इन सब चीज़ों को लिखते चलना, बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं, आपको पता लगने लग जाएंगी आराम से। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता लग गया कि इनके लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या थी। इतने पॉइंट इनफ हैं 150-250 वर्ड्स का आंसर करने के लिए, है ना, 10 मार्कर 15 मार्कर इतना ही लिख पाओगे, और इतनी ही नॉलेज है हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री और इन सब सोर्सेज से निकालते हुए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस करा, लेकिन इट वॉज वेरी फ्रूटफुल इंट्रोडक्शन। बहुत सारी डाइवर्सिफाइड चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, शब्दों के पीछे बहुत सारे जो फैक्ट्स छुपे हुए थे, जो एनालिसिस छुपी हुई थी, वो भी मैंने आप लोगों को दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।